मेरे प्यारे दोस्त, मैं अविनाश और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में स्वागत है। ये ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस है जिसमें हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है और ये क्वेश्चन जो रेगुलर एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है टेन ए प्लस कॉट बी होल डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस टेन बी, और इस चीज़ को टेन ए इंटू टेन बी में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि न्यूमिनेटर को हम देख रहे हैं टेन ए प्लस टेन बी और डिनोमिनेटर जस्ट ये टेन का कॉट और ये इसका पार्ट जो है वो टेन का बी में हो गया है। तो इसमें या तो न्यूमिनेटर को आप टेन और इसको कॉट और इसको टेन में चेंज कर लीजिए, अदरवाइज डिनोमिनेटर को टेन कॉट में चेंज कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, वो आर एच एस आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है, अगेन इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। न्यूमिनेटर को टेन को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए, इस कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आर एच एस आ जाएगा। दूसरा, इसका कोई भी मेथड और प्रॉपर्टीज नहीं है, और अगर हम साइन कॉस में तोड़ करके चीज़ों को खोलते और एक्सप्लेन करके सॉल्व करते हैं तो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो मैथड एक्सेप्टेड नहीं है। तो आर एच एस से तो हमने यहाँ पर न्यूमिनेटर में किसी तरह का चेंज नहीं किया, बट डिनोमिनेटर को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। जैसे कि कॉट है तो इसको हमने लिखा 1/1 प्लस टेन ए एंड टेन बी को 1/cot b। ऐसे करने का रीजन ये है कि अब हमारे पास टेन और कॉट टेन ए के टर्म में आ चुका है, कॉट बी के टर्म में आ चुका है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट टेन ए और टेन बी में हमारा रिजल्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो डिनोमिनेटर अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, टेन ए प्लस कॉट बी, नाउ कॉट बी प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय टेन ए इंटू कॉट बी। इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो टेन ए प्लस कॉट बी ये जो न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर का ये टर्म्स अगेन, क्योंकि डिवाइड का अगेन डिवाइड है, तो ये पार्ट जो आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा इनटू टेन ए इनटू कॉट है आपका टेन ए इनटू कॉट बी, डिवाइड में आपका आ जाएगा कॉट बी प्लस टेन ए, जिससे ये टर्म्स आपका कैंसिल हो गया, सॉरी कॉट बी है और ये टेन बी है तो ये 1/cot b हो गया, कॉट ए है 1/tan a, सिंप्लीफाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन को रीचेक कर लें। जो आर एच एस में आपको लाना है टेन ए इंटू कॉट बी, सॉरी ये यहाँ थोड़ा सा थोड़ी गलती है, आरएचएस में हमें टर्म जो लाना है वो टेन ए इंटू कॉट बी के टर्म में लाना है, टेन ए इंटू कॉट बी के टर्म में आना, और वो चीज हमारा आरएचएस यहां से आ चुका है टेन ए इंटू कॉट बी। सो अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है टेन कॉट में ए बी के टर्म में दिया हुआ है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टेन ए कॉट बी है और डिनोमिनेटर में जो टेन है वो बी पार्ट में है, डिनोमिनेटर में जो न्यूमिनेटर में कॉट बी है और डिनोमिनेटर में कॉट ए है और आर एच ए से मल्टीप्लाई टर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप या तो न्यूमिनेटर को ले लीजिए जिसे हमने इस फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, अदरवाइज डिनोमिनेटर को ले लीजिए, इस फ्रैक्शन में चेंज करना है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आर एच एस आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है।